मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, हाथ उठा करके बताएं मोहब्बत करते हैं। किसी भी आदमी का अगर 7 साल के तक का ऑफेंस है तो उनको पहले नोटिस दिया जाए, अगर वो नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो उनको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। कितने दिन का रिमांड मिला है इनको? 2 दिन का ट्रांसिट। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें ऐसा बताया गया कि जूनागढ़ कोर्ट लेके जा रहे हैं। जूनागढ़। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। उन्होंने एप्लीकेशन किया था कि इनका ट्रांसिट रिमांड दिया जाए, जिसको हमने अपोज किया और हमने ये भी कहा कि इलीगली डिटेन हुए थे इनको, हमारे को जो नोटिस देना चाहिए बाय लॉ, उन्होंने वो नोटिस नहीं दिया था 41A का CRPC के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है उसके ऊपर, अनिश कुमार करके, वो स्ट्रिक्टली बोलता है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी भी आदमी का अगर 7 साल के तक का ऑफेंस है तो उनको पहले नोटिस दिया जाए, अगर वो नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो उनको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। कितने दिन का रिमांड मिला है इनको? 2 दिन का ट्रांसिट। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें ऐसा बताया गया कि जूनागढ़ कोर्ट लेके जा रहे हैं। जूनागढ़। कल कोर्ट में प्रोड्यूस कर। मुफ्ती सलमान अजहरी को नफरत फैलाने के एक केस में बाजाब्ता तौर पर मुंबई में जो है गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी ATS ने अमल में लाई है। गुजरात ATS जो है मुंबई में दाखिल होती है और बाजाब्ता तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनके घर से गिरफ्तार किया जाता है। मुफ्ती अजहरी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर जो है सुबह से ही लोग जो है यहाँ जमा हो गए हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से जो है मजमा जो है यहाँ पर है और घाट के ऊपर इलाके में पूरी तरह से ट्रैफिक जाम है। बता दें आपको कि जो केस दर्ज किया गया है उसके खिलाफ जो है लोग यहाँ जमा हुए हैं और लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि ये जो है एक तरफा कार्रवाई भी करार दे रहे हैं लोग। लोग ये बता रहे हैं कि जो केस लगाया गया है वो पूरी तरह से गलत है। बता दें आपको कि जो मुफ्ती साहब पर जो केस दर्ज किया गया है 153A 505 114 और 188 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। आप भी खाटकोपर पुलिस स्टेशन आए हैं, मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है यहाँ पर। गुजरात ATS आई थी, जूनागढ़ में कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, क्या जो है कहाँ लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में भी आया, जस्ट मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट, मैंने कुछ बोला है, बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर, तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा, मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पर पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हम आए, DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, उनको लेके गए मैजिस्ट्रेट के पास, वहां से शायद गुजरात कर जाए। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून, तो ऐसे केसेस में क्या होता है आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है, तो वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना, नोटिस दो हमको, पूरा कायदे कानून पे प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है, हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है 41A का, हर बार होता है 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे, उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को टेस्ट नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है, और वहां पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे,
तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहां पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने, तो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है, और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे अपराध किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो भड़काने वाले भाषण तो सबके तरफ में अभी हमारे यहाँ से लोग लगा रहे हैं आजकल, भड़काऊ भाषण नारे लगाकर तो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा, तो यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सुबह से हजारों लोग फोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सबर करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा, और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो, प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए, कायदे पे भरोसा रखिए, कोर्ट कचहरी पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिले। क्या लगता है आपको लीगल डिटेंशन किया गया है गुजरात पुलिस की तरफ से? आप देखिए, जब उनको वहाँ पे गुजरात में पुलिस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो वकील लोग हैं वो तो बात रखेंगे अपनी वहाँ पर कोर्ट में, कोर्ट में रखी जाएगी बात। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। Contact and visit school for more details.